आज वीकडे है, छुट्टी है, रेसिपी टाइम इटालियन डिश पे इंडियन तड़का जितना हो सके घर में रहेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, आज वीकडे है बट आज हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे छुट्टी है, तो सुकांत का भी छुट्टी है और कुछ काम है। काम मतलब सुदिति और शुभी का स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना है क्योंकि अब स्कूल भी रीओपन होने वाले हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं। मतलब एक तीर दो निशाने हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक आउटिंग भी हो जाएगा और यूनिफॉर्म भी खरीद लेंगे हम लोग। और जहाँ पे ये शॉप है वो जगह सिंगापुर का बहुत ही पॉश शॉपिंग एरिया है और ये जगह का नाम है ऑर्चर्ड। मेरा कोशिश यही रहते हैं कि आप लोगों को मैं पूरा सिंगापुर जितना हो सके आप लोगों को दिखा सके। मतलब जो लोग आए हो वो लोगों को तो पता है और जो लोग नहीं भी आए हो उन लोगों को भी थोड़ा एक आइडिया मिल जाए कि कैसा है क्या है, इसीलिए मैं घर के आसपास भी दिखाती हूँ। लेकिन अभी सिचुएशन के लिए हम लोग इतना बाहर जाते नहीं है, तो आज चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ऑर्चर्ड कैसा है। हमारे साथ चलिए आप लोग भी, तो मिलते हैं वहाँ पे, बाहर जाके फिर दिखाएंगे आपको। हम लोग ऑर्चर्ड में आ गए हैं और शुभी का और सुदिति का दोनों का हम लोगों ने यूनिफॉर्म खरीद भी लिया है, तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा थोड़ा। ये देखिए वो जो है, ये सब बहुत बड़ा एक मॉल है फिश मार्केट। ये देखिए चलिए और भी दिखाते हैं आगे। देखिए सामने जा रहे हैं सुदिति, शुभी और सुकांत। ये सारा मॉल्स है एक एक करके। ये जगह का नाम है ऑर्चर्ड। यहाँ पे वीकेंड्स पे बहुत भीड़ होते हैं। साइड पे जाने के लिए नीचे से जाना पड़ेगा, दिखाते हैं आपको। शुभी, सुकांत, सुदिति भी फोटो खींच रही है, उसको फोटो का बहुत शौक है। ये मॉल के अंदर थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए एक के बाद एक मॉल है। ये सारे बहुत फेमस है, यहाँ पे सब लोग घूमने के लिए आते हैं, बैठे भी रहते हैं।
जगह बहुत सुंदर है। चलिए हम लोगों को दिखाया हमने जितना हो सके और घर जाके फिर मिलते हैं, रेसिपी भी दिखाना है। तो अब रेसिपी टाइम है, लेकिन उससे पहले शुभी आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, पहले वो देख लीजिए। दिस इज माय यूनिकॉर्न एग एंड इफ यू ओपन इट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ इनसाइड लाइक दिस यूनिकॉर्न विद सम हेडफोन्स एंड आफ्टर दैट विद सम हेडफोन्स एंड देयर इज सम इंस्ट्रक्शंस and there is glue yeah and this is a note and this is a egg inside and there is a stamp and a baby egg and animal and if you open it there is it's a baby acha and after that if you open it it's a stamp okay and it is like a emoji face and it's shaped like a blueberry ice cream and that's all about the egg okay very good आज मैं सोच रही हूँ अभी तक मैंने जितना रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है सब बड़े लोगों का रेसिपी है बच्चे को भी पसंद आता है आज मैं जो बनाऊंगी वो बच्चे को ज्यादा पसंद आता है तो आज का जो डिश है वो मैंने थोड़ा सा फ्यूजन बनाया तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इटालियन डिश पे इंडियन तड़का तो आज के रेसिपी का नाम है बटर चिकन और बटर पनीर पास्ता ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और मेरे फैमिली को तो बहुत ज्यादा पसंद है चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा उसके लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैक्रोनी लिया और ये बॉईल कर लिया और ग्रेवी के लिए मुझे लगेगा 1 कप टोमेटो प्यूरी इनफ बटर 1 कप क्रीम शुगर और चिली पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर सॉल्ट कसूरी मेथी ये लगेगा ग्रेवी के लिए और चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने जो लिया वो है 2 टेबलस्पून योगर्ट थोड़ा थिक योगर्ट लेना जिंजर गार्लिक पेस्ट धनिया पाउडर लेमन जूस रेड चिली पाउडर मैंने रेड चिली पाउडर कश्मीरी वाला लिया है ताकि कलर आ जाए तीखा कम हो और जो लोग वेजिटेरियन हो वो तो बटर चिकन वाला नहीं खाएंगे तो आप लोगों के लिए मैंने पनीर का बना के दिखाऊंगी तो थोड़ा सा मैंने पनीर लिया 200 ग्राम जैसा पनीर मैंने लिया और इसी पास्ता को मैं हाफ अप करके बना के दिखाऊंगी ठीक है पनीर को मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है मैं फर्स्ट चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ चिकन को मैरिनेट करके मिनिमम 1.5 से 2 घंटा तो रखिएगा उसके बाद ही पास्ता बनाना ठीक है तो दिखाते हैं ये लेमन जूस 2 टेबलस्पून ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून योगर्ट हीप करके 1.5 अब मैं जो करूंगी वो है मैं एक मिक्सचर बना लूंगी 1 कप पूरा टोमेटो प्यूरी है मैं पूरा ही डाल रही हूँ इसमें इसके साथ मैं डालूंगी 2 टीस्पून शुगर थोड़ा चिली पाउडर ये 1/2 टीस्पून भी नहीं है क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा तीखा होना भी ठीक नहीं है मैंने चिकन में भी डाला है थोड़ा सॉल्ट और मैं जैसे बोलती हूँ ना हर चीज अपना क्वांटिटी के हिसाब से अपना क्वांटिटी के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डालना मैं इसीलिए मेरा मेजरमेंट मैं दे देती हूँ आपको थोड़ा ब्लैक पेपर अब पानी डालूंगी इसमें बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा अगर आपको पेस्ट मिले तो उसको पहले ही थोड़ा पानी से घोल लेना फिर ये कंसिस्टेंसी लेके आना ये वाला ये मैंने घोल लिया चलिए आप किचन में मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया अब पहले मैं ग्रेवी बना लूंगी एक साथ ही ग्रेवी बना लूंगी ग्रेवी के लिए जो मुझे फर्स्ट चाहिए
थोड़ा तेल डालूंगी मैं। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि बटर जल जाता है अगर ओनली बटर डालोगे तो इसीलिए मैं थोड़ा तेल डाला, मतलब हाफ टी स्पून भी नहीं है। इसमें बटर थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि मक्खनी ग्रेवी है, मक्खन ही मेन होगा। ये देखिए बटर पूरा मेल्ट हो गया है। ये देखिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी का जो मिक्सचर है, और इसको धो के भी मैं थोड़ा पानी इसका डालूंगी। ये देखिए इसमें थोड़ा नमक चाहिए, मैंने नमक टेस्ट करके देखा, नमक थोड़ा कम है। मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। आप ऑनियन डाल सकते हो, अगर ऑनियन आपको लाना है तो पहले बटर के बाद ही ऑनियन डाल दो, उसको थोड़ा सॉटे कर लो, सॉटे करने के बाद प्यूरी डालना। अब ये कुक हो गया तो मैं इसमें डालूंगी क्रीम। ये देखिए कलर कैसे चेंज हो गया है, पूरा आ गया ना बटर चिकन वाला कलर। अब ग्रेवी के लिए चाहिए कसूरी मेथी, इसको मैंने निकाल के नहीं रखा क्योंकि इसका फ्लेवर कम हो जाएगा, इसलिए कसूरी मेथी को आप ऐसे हाथ में लो फिर ऐसे मसल के डाल देना। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला, कसूरी मेथी भी आप टेस्ट करके ही डालना। तो ये बन गया मक्खनी ग्रेवी, इसमें एक उबाल आ जाएगा तो मैं ये बंद कर दूंगी। फिर बटर चिकन पास्ता के लिए मैं चिकन को अब कुक करूंगी। इसके लिए तवा बहुत गर्म होना चाहिए नहीं तो पानी छूटना शुरू हो जाएगा चिकन से। मैंने थोड़ा तेल और थोड़ा बटर ले लिया, देख रहे हैं अब कितना गर्म है, देख रहे हैं। अब इसमें मैं चिकन दे दूंगी। ये देखिए चिकन कुक हो गया, कलर भी देखिए आया है ना थोड़ा टिक्का कलर। इस टाइम पे मैं थोड़ा बटर डालूंगी। अब इसमें मैं ये जो ग्रेवी बना के रखी हूँ उसका हाफ इसमें डाल दूंगी। ये देखिए हाफ पास्ता मैं डाल दूंगी इसमें। तो मेरा यहाँ पे बटर चिकन पास्ता रेडी है, अब बटर पनीर पास्ता होगा, बस पैन को स्विच करना है। मैं इसमें पनीर को ऐसे ही कच्चा पनीर ही डाल रही हूँ। ये देखिए पनीर को डाल के थोड़ा उबाल लेना। अब देखिए बाकी का जो पास्ता मैंने रखा था ये इसमें डाल रही हूँ। खुशबू इतना अच्छे से आ रहा है। तो मेरा बटर पनीर भी रेडी है, मैं गैस ऑफ कर रही हूँ, फिर एकदम सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ट्विंस रेडी है। बहुत कुछ सेम है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है। अब बारी है टेस्टिंग, आज टेस्टर में ये है बटर चिकन वाला। ये देखिए चिकन पीसेस, चिकन पीस है और मैक्रोनी भी है। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। अब पनीर वाला, ये देखिए पनीर भी लिया है मैंने और मैक्रोनी भी लिया मैंने। टू गुड, मुझे अपना ही पिट थपथपाने का मन हो रहा है। और एक बार दिखा रही हूँ, बहुत ज्यादा टेस्टी है। बच्चों को ये बना के टिफिन में डालो या किसी में भी, कोई पार्टी में बनाओ तो आपको सब याद रखेगा कि हाँ मैंने ऐसा पास्ता खाया था उनके वहां, ये इतना अच्छा टेस्टी है। तो बनाइए, खुद खाइए, सबको खिलाइए। जो मैं दो चार चीजें बोलती हूँ उसका टाइम आ गया है अभी। फर्स्ट थिंग जो है, अगर आप बटर चिकन पास्ता बना रहे हो, पास्ता नॉर्मली आप मैक्रोनी या फुसिली यूज करना। सेकेंड थिंग है, अगर आप ओनली बटर चिकन पास्ता बना रहे हो तो आपको चिकन को अलग से भूनने की जरूरत नहीं है। जो जैसे मैंने दिखाया अभी, मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने सेम ग्रेवी में दोनों चीज अलग अलग बनाया, वेज और नॉन वेज। लेकिन अगर आप ओनली बटर चिकन बना रहे हो
तो जैसे ही कढ़ाई में आप बटर डाला, आप वहाँ पे चिकन डाल दो, फिर आप चिकन को भूनो, उसके बाद आप प्यूरी का मिक्सचर डाल दो, फिर वो थोड़ा बॉयल आ जाने के बाद जैसे ही वो रॉ फ्लेवर चला जाएगा फिर क्रीम डाल दीजिए और कसूरी मेथी भी, और उसके बाद पास्ता, बस वो बन गया, मिक्स कर देना एक साथ, तो ये बन गया। और पनीर के लिए बोलूंगी, पनीर के लिए मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो मैं एक चीज और बोलूंगी वो है चीनी पक्का डालना, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, लेकिन डालना जरूर। चीनी का काम क्या होता है आपको पता है? कोई भी डिश में अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं उसको एक साथ मिक्स करके टेस्ट को एनहांस करते हैं। उतना चीनी डालना जितने में टेस्ट एनहांस होता है उतना। मेरा बटर चिकन रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिसमें मैं चिकन को थोड़ा और भी मसाला में डालती हूँ मैरिनेट करने के लिए, वो मैं और एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया, मेरा रेसिपी पसंद आया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और जो एक बात मैं बताती हूँ क्या है वो, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी कुछ नए चीजों के साथ तो आपको पता चल जाएगा अदिति आ गई है। और जितना हो सके घर में रहिए, मेंटली फिजिकली दोनों साइड से स्वस्थ रहिए। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय।